आज मैं अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ गई थी क्योंकि आज मैंने रखा हुआ है अहोई अष्टमी का व्रत, जो कि अपने बच्चों के लिए, उनकी तंदुरुस्ती और लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और एक और चीज़ आज है, और मेरा बर्थडे भी है आज। मेरे पास घर पे कैलेंडर नहीं था अहोई माता का, तो फिर मैं रास्ते से आते हुए माता रानी का कैलेंडर लिया और सबसे पहले हाथ मुँह धो के वही चिपकाया दीवार के साथ, और मैंने जो झक्करियाँ भरी हुई थी उनके सामने लगाया। उसके बाद मैंने कथा की अहोई अष्टमी की, फिर मैंने सूर्य देव को जल देकर पानी पिया और चाय पी, फिर कुछ देर रेस्ट किया। तो गाइस, अभी मैंने पूजा कर ली है अहोई अष्टमी की और रेस्ट भी हो चुका है थोड़ा सा घर पे आने के बाद। आज लकीली मुझे सर ने छुट्टी दे दी कि चलो आज मैं 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले चली जाऊं, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है और मैंने फास्ट भी रखा हुआ है, तो जिसकी वजह से आज मैं जल्दी आ गई घर पे। तो बस अभी रेस्ट तो थोड़ा सा मैंने कर लिया है, अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले, तो फिर मैं करूँगी किचन साफ और उसके बाद मैं शाम के लिए खाना अभी बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं क्रच में, तो जब तक वो आएंगे तब तक मैं अपना सारा काम डन कर दूं, क्योंकि उनके आने के बाद वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देते। तो चलिए मैं अपना काम सारा स्टार्ट कर लेती हूँ फटाफट से। सबसे पहले तो मैं बेडरूम से स्टार्ट करूँगी, बेडरूम में आ गई हूँ और बेडशीट मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, क्योंकि हम अपने दिन का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है वो बेडरूम में ही गुजारते हैं, तो बेडरूम ही होता है जो सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। तो बेड की मैं बेडशीट यहाँ पे अच्छे से लगा दूँगी ताकि वो अच्छे से टक रहे, बिल्कुल भी इधर उधर से ना जाए। एक बार बेडरूम क्लीन हो जाता है तो हमारा आधा काम वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आजकल घर का सारा काम मुझे खुद से ही करना पड़ता है, क्योंकि मेड नहीं आ रही है, वो भी चली गई है अपने गांव वापस, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और अभी मुझे लग भी नहीं रहा कि इस विंटर्स के टाइम पर मुझे कोई और मेड सुबह अर्ली मॉर्निंग में मिल भी जाएगी कोई, क्योंकि सुबह 7 बजे के टाइम पर कोई भी रेडी नहीं होता कहीं काम करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दियाँ आने वाली हैं आगे जाकर। तो मेरे लिए बेटर यही है कि मैं खुद को अपने आप को हैबिट में लाऊँ और सारे काम को मैनेज करूँ खुद से। बस आज से उसी की कोशिश में मैं जाती हूँ। फिर उसके बाद जो मैंने कपड़े सारे सुखा के रखे थे, सुबह मैं वॉश करके चली गई थी बाहर सूखने के लिए, और अभी मैं आज जल्दी आ गई तो इसलिए मैं इकट्ठा कर रही हूँ, नहीं तो फिर ये सारे कपड़े ऐसे शाम को मैं लेकर आती हूँ, रात के 6-7 बज जाते हैं। जितने भी सारे कपड़े मैं लेके आई हूँ अभी मैं इनको ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि अभी मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। साथ ही मैंने रख दी थी दाल बनाने के लिए, क्योंकि आज के दिन दाल और चावल ही बनते हैं। साथ ही साथ जो 2-4 बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने साफ कर दिए और किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। मेन जो काम था मेरा वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि कल हमारी है मैरिज एनिवर्सरी, तो मुझे दीपक के लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही था, तो मार्केट बस उसी के लिए मैं जा रही थी। हमारे घर के जस्ट पास ही में है मार्केट, अब तो हमारा घर मार्केट के बिल्कुल पास में है, तो मुझे हार्डली बस 5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी के लिए मैं निकल चुकी थी। यहाँ पर हमारे घर के सामने कोई कपड़ों की शॉप है, तो बस वहीं से कुछ ना कुछ मैं दीपक के लिए ले लूँगी। गर्मियाँ तो चली गई हैं तो ऑफ कोर्स मैं उनके लिए कुछ विंटर्स में ही देखूँगी। शर्ट वगैरह तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और मैं कुछ टी शर्ट्स वगैरह ही देखूँगी जो उनको विंटर्स में काम आ सके। फिर मैं लेने चली गई थी बच्चों को क्रच से, और ये देखो मार्केट दिवाली के दिनों में कितनी ज़्यादा सजी होती है, बच्चे लाइटिंग को देख के ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। घर आके मैंने अपनी दाल का तड़का वगैरह सारा लहसुन प्याज कुछ काट के मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया था। ये देखो गुल्लू भी मेरे पास आ चुका है, क्रच से ऐसे ही आता है तो बिल्कुल थका हुआ होता है, तो इसको बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मम्मी मुझे छोड़ के कोई भी काम करे, तो फिर काफ़ी सारा काम मुझे इसको लेके ही करना पड़ता है। अभी इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है क्योंकि ये पूरा दिन थक जाता है क्रच में। अभी बस मैं दाल वगैरह बना दूँगी और चावल बना दूँगी और उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी, और सारा कुछ लाइटिंग वगैरह ऑफ करके मैंने यहाँ पर गैस को स्लो कर दिया था, फिर मैं चली गई थी गुल्लू को सुलाने के लिए। यहाँ पर देखो मैंने चावल वगैरह बना के सारे रेडी कर दिए थे, और उसके साथ ही मैंने रायता भी बना दिया था, दाल को भी तड़का लगा दिया था, सारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बस दीपक जैसे ही आएंगे तो मैं तारा देख के अर्घ दूंगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी
बनाऊंगी, ये मैंने लगा दी थी आरव की थाली। उसके बाद दीपक जी भी आ चुके थे घर पे, फिर मैंने तारा देखा, बड़ी मुश्किल से तारे को ढूंढा और फिर मिल नहीं रहा था पहले तो, फिर बहुत ही मुश्किल से हमने तारा देखा और मैंने उसको अर्घ दिया फाइनली। फिर मैंने आरव के हाथ से पानी पिया क्योंकि सैम तो यहाँ पर सो चुका था और उसको परेशान करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद सबने खाना यहाँ पर खा लिया था, फिर दीपक लेके आए थे मेरे बर्थडे का केक, तो उसी की यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं केक काटने की। तो आरव को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, किसी का भी बर्थडे होता है तो आरव ही केक काटता है स्टार्टिंग से, क्योंकि वो सबसे बड़ा भी है घर पे और छोटा भी है, तो किसी का भी बर्थडे हो उसी के हाथ से हम केक कटवाते हैं यहाँ पर। बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है केक काटने में ऐसे, वो देखो अभी मुझे वो बर्थडे विश भी करेगा। स्वीट ऑफ यू आरव, थैंक यू सो मच दीपू, थैंक यू सो मच आरव फॉर मेकिंग माई बर्थडे वेरी स्पेशल। केक काटने के बाद हम सब ने मिलकर केक खाया, केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, सच में बहुत टेस्टी था केक। और उसके बाद आरव को पता नहीं कहाँ से पता चला है कि केक को मुंह पे भी लगाते हैं। उसके बाद दीपक ने दिया मुझे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, तो ये यहाँ पर ऐसे वीडियो में जानबूझकर ऐसे दिखा रहे थे कि मैं दिखा देता हूँ सबको कि मैंने तुझे गिफ्ट दिया है, कहीं बाद में ये ना हो कि तू मुकर जाए कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर उसके बाद जो मैंने लिया था दीपक जी के लिए टी शर्ट, वो भी मैंने निकाली, बस मैं इसी के लिए निकाली क्योंकि ये पहन के देख लेंगे इसको आई है कि नहीं आई है, बट ये फिर भी छोटी रह गई।